जब आप पांच टेस्ट की श्रृंखला में दो शून्य से पीछे हैं तो वापसी करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की जरूरत है क्या इस टीम में वो दम है क्या वो सीख लेने को तैयार है बात कर लें हमारे साथ पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर है सनी भाई साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इसे एक बेंच मार्क माना जा रहा था ओवरसीज कंडीशन में अब तक बारह में से पांच टेस्ट मैचेस इंडिया ने खेली है साउथ अफ्रीका का सीरीज हार गए चार टेस्ट मैचेस इंडिया हार चुकी है और खासकर इंग्लैंड में जो प्रदर्शन रहा एक 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 कॉमन ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो प्रैक्टिस को लेकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है जिसके बाद जो मुद्दा आपने भी उठाया है उससे शायद फर्क पड़ता है एक बड़े दौरे में अलग कंडीशंस में हाँ क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा बनता है क्योंकि आपको आप एक तरह से एक यूज टू हो जाते कि जिस तरह से गेंद लाल गेंद स्विंग होते हैं आपकी बैट स्पीड जिसको बदलना होना होता है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में टी ट्वेंटी क्रिकेट में आपकी बैट स्पीड और ज़्यादा होती है और टेस्ट क्रिकेट के लिए थोड़ी सी धीमी होनी चाहिए तो वो सब आपको आप बल्लेबाज होते हैं तो आपको पैर के शरीर के नज़दीक खेलना चाहिए वन डे क्रिकेट में आप दूर से भी खेल सकते हैं क्योंकि सफ़ेद गेंद इतनी हिलती भी है नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी नेचुरली आएगी तो अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर बात अलग ही होती है क्योंकि आप वही मिस्टेक्स करते रहेंगे फिर आपको ये टीम्स मैनेजमेंट की सोच समझ में आ रही है क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि हम हार के बाद कुछ डेज ब्रेक ले लें मेंटली अपने आप को बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में रखने के लिए लेकिन अक्सर जब आप हारते हैं तो लोग एक्स्ट्रा नेट सेशंस में भरोसा रखते हैं एक हादी, एक हादा दिन अगर आपने आराम किया तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं पर आप कहे इंग्लैंड क्रिकेट खेलने के लिए और इसक, इसका मतलब क्या है कि आप क्रिकेट में जितना आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा आप उसी के तो कारण गए हैं तो आपको अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना होगा तो फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी होगी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो एक कहावत है तो मैं समझता हूँ कि जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बॉलर्स के लिए भी आपकी लाइन और लेंथ जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको वो उसकी आदत ही बन जाएगी पर सबसे अहम बात है कि प्रैक्टिस से बनता है पर आप जितनी प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे ना उससे और ज्यादा क्योंकि मैच में आपको रिजल्ट मिलता है नेट प्रैक्टिस आप करते हैं आप आपने अब आप गे, गलत गेंद डाली आप आउट हो गए फिर भी आप नेट में रहते हैं अगर मैच में आउट हो गए तो आप विविलियन जाते हैं तो ये सब इस, इसी के लिए मैं समझता हूं कि जो प्रोग्राम जो बना था भारतीय टीम का उसको उस इतनी सोच उसके पीछे नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी क्योंकि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण टूर थी ये साल भारतीय क्रिकेट के लिए इतना अच्छा मौका था साउथ अफ्रीका को हराने का उसके बाद में इंग्लैंड में आके जीतने का उसके बाद में अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे ऑस्ट्रेलिया अगर ये तीनों देशों को अगर आपने उनके इलाके में अगर आपने आपने हार दिला दी तो इसका मतलब आपकी टीम सबसे सही माने नंबर एक टीम है